Good morning, students. Now we will learn the remaining parts of the chapter New Empires and Kingdom. In this part, I will explain about Samudragupta's prashasti, that what they tells us, and something about Harshvardhan, a king of Thaneshwar. Now we will discuss about the policies of Samudragupta, means how did he maintain law and order in his kingdom, how did he administrated his state. Okay, यानी इस chapter का जो remaining part है, पहला part मैंने आपको भेजा था, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में और इस चैप्टर के बारे में बताया था. तो समुद्रगुप्त ने जो प्रशस्ति लिखवाई थी, ठीक है, रॉक्स पे और पिलर पे जो भी उसने लिखवाया था, उन प्रशस्तियों को पढ़ के हम उसके बारे में क्या चीज़ जानते हैं, वो हमसे क्या कहती हैं, तो हमसे वो क्या बताती हैं कि उसका शासन किस तरह का था, वो किस तरह से शासन करता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. क्यों? क्योंकि उसका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, पूरा उत्तर भारत पर, दक्षिण भारत के भी कुछ भाग उसने जीते थे, लेकिन वो फिर उसने उनको वापस कर दिए थे. क्यों? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना एक अकेले व्यक्ति के काम मान का नहीं है, इसलिए उसने उस राज्य को जीत के पुनः उन्हें वापस कर दिया था, लेकिन उनसे ट्रिब्यूट्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह वो कलेक्ट करता था. ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. बुक में देखिए, इफ़ यू लुक एट मैप सेवन पे आ जाइए. मैप सेवन देखिए, इसमें उसका पूरा साम्राज्य देखिए, पूरा फैला हुआ है. ये आपके ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी फैला है, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन में भी उसका साम्राज्य है. ये जो आपको यहाँ पे जो आपको ये डार्ट्स बने हैं, ये जो डार्ट्स बने हैं, ये दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं, यहाँ भी इसका फैला हुआ था. यानी पूरे ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा यहाँ से ये पूरा ये लेकर के, और ये जो आपका ये दक्षिण भारत का ये जो राज इधर का जो एरिया है, पूरा यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था. तो इसी दक्षिण भारत का ये जो एरिया है, इसको इसने जीता था, जीत के फिर इन राजाओं को इसने वो राज्य वापस कर दिया था. क्यों? क्योंकि इतने बड़े, पूरे भारत के इतने बड़े भूभाग को अकेले चलाना उसके वश की बात, एक अकेले के वश की बात नहीं थी, इसलिए इसने पुनः वापस किया. लेकिन इनसे क्या लेता था? ट्रिब्यूट लेता था, इनसे ट्रिब्यूट लेता था. ट्रिब्यूट क्या होता है? विलिंगली कोई भी राजा उसको जो भी इनके यहाँ जो भी रिसोर्सेज होती थी वो विलिंगली उनको वो देते थे. ठीक है, जो भी चीज़ होता था, गोल्ड हुआ, मिनरल्स हुआ, जो भी चीज़ें इस तरह की होती थी, वो समुद्रगुप्त इनसे लेता था, और इस तरह से वो अपना साम्राज्य चलाता था. यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का था. ठीक है, देखिए दिया है, द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप. ग्रीन, आर्यावर्त ग्रीन यानी जो हमारा उत्तर भारत है, जो प्लेन है उत्तर भारत का. हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अप्रूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर. कह रहे हैं कि देयर वर मेनी स्मॉल रूलर्स who surrounded the Samudragupta's kingdom were also a part of his administration. वो भी उसके administration के एक भाग थे, यानी वो उनके उनको उन सारे को अपने control में रखता था और उन सारे से वो कर वसूलता था, और जितना भी को जो भी law and order वो अगर pass करेंगे अपने राज्य में, तो क्या करेंगे, वो पहले समुद्रगुप्त से पूछेंगे कि कौन सा रूल रेगुलेशन उस किंगडम में, उस राज्य में, उस स्टेट में फॉलो करना है, उस हिसाब से वो काम करते थे. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, द रूलर ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मीन्स साउदर्न इंडिया, ठीक है। द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, ये जो दक्षिणापथ आपका है, इट मीन्स साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, हियर देयर वर 12 रूलर्स। यहाँ पे कितने रूलर थे? 12 रूलर थे। कहाँ पे? दक्षिणापथ में। दक्षिणापथ मीन्स साउदर्न इंडिया, ठीक है। 12 रूलर्स, सम ऑफ हूज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे सराउंडेड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बींग डिफीटेड एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। ये कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त साउदर्न इंडिया का, मैंने अभी जो रेड डॉट्स जिसमें पड़ा हुआ था, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि वो पुनः उसने उसको वापस कर दिया था। वर आल्सो अ पार्ट ऑफ हिस एडमिनिस्ट्रेशन, बट दोज स्टेट्स वर आल्सो अ पार्ट ऑफ हिस किंगडम एंड ही कलेक्ट रेवेन्यू एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम दैट रीजन्स। नाउ द थर्ड पार्ट, द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गन संघ, रिमेंबर चैप्टर 5, इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। ओके, ही सेड दो समुद्रगुप्ताज डिफीटेड द रूलर ऑफ दक्षिणापथ, बट ही रिटर्न देयर स्टेट्स ओनली फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नाउ इन द थर्ड पार्ट, अनदर नेबरिंग ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट मीन्स नेपाल, असम, कोस्टल बंगाल, दीज आर द ईस्टर्न स्टेट। ओके, अनदर नेबरिंग ईस्टर्न स्टेट्स ट्रिब्यूटेड हिम एंड ज्वाइनिंग हिज कोर्ट एंड फॉलोड हिज ऑर्डर्स। ये कह रहे हैं तीसरे पार्ट में कि द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, उसके जो पूर्व के जो स्टेट्स थे, जिसमें आपका असम आता है, बंगाल आता है, ये सारे जो आपके आते हैं, ये सब उसके किंगडम में शामिल थे, ठीक है। जो मैप में आपने अभी देखा पर्पल से, एक बार फिर देख लेते हैं, पर्पल से देख लीजिए, ये जो पर्पल से पूरा ये आपका ये घिरा हुआ है, ये आपका नेपाल है, ये पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसके राज्य के जो ये भाग थे, इस पर भी इसका अधिकार था, लेकिन और ये करते क्या थे कि वो उनको छोड़ दिया था कि आप अपने तरीके से राज्य करिए, लेकिन दे ब्रॉड ट्रिब्यूट, वो उसके लिए ट्रिब्यूट लाते थे, यानी विलिंगली उसको सारी चीज़ें देते थे, फॉलोड हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर को भी फॉलो करते थे, एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट को भी अटेंड करते थे, यानी वो पूरी तरह से समुद्रगुप्त के अधीन थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनको अपना राज्य फिर वापस कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसके अधीन थे, उसी के लॉ और ऑर्डर को फॉलो करते थे और उसके कोर्ट को भी अटेंड करते थे, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द रूलर ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशांस एंड शक्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। He said, the ruler of the outlying areas marked in blue on the map. Now we will see the map, blue area of the map. Here is the blue area of the map, this area, okay, boundary of the India. ये कह रहे हैं कि the ruler of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the
descendants of the Kushans and Shaks. They were the descendant of Kushan. Kushan, Kanishka, Pulkeshin. Okay. And the ruler of Sri Lanka, who submitted to him and offered daughters in marriage. He spread his kingdom with the help of submitted marriages. Where? In the outlines of the India. Kushans, Shaks and also in Sri Lanka. यानी उसने अपने मैरिज के द्वारा यानी अपने डॉटर्स को ये लोग ऑफर करते थे मैरिज के लिए, कौन? कुशान के जो वंशज थे, शक के जो वंशज थे और श्रीलंका के जो राजा थे, वो अपने डॉटर को मैरिज के लिए ऑफर करते थे इनके यहाँ, ताकि इनका साम्राज्य और बढ़ सके, आगे बढ़ सके. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट जीनियोलॉजी. Here is said find Prayag, the old name of Allahabad, not old name, now it is the new name of the Allahabad, Prayag, Ujjain and Pataliputra, Patna, on the map. These were important centers of the Gupta rulers. Gupta rulers means Samudragupta. We will read about him. Samudragupta. What was the difference between the way in which Samudragupta treated the ruler of Aryavart and Dakshinapat? Samudragupta defeated the ruler of Dakshinapat, but he returned their estates only for a better administration, but not in Aryavart. He administrated in Aryavart himself, but in Dakshinapat, he returned their estate only for a better administration. Okay? Now we will read about the genealogy. It means, what is genealogy? It means the ancestors. Open the genealogy. Yes. What is the meaning of genealogy? Genealogy means the ancestors of the rulers. Means great grandfather, grandfather, and so on. At first, we will see Vikram Sambat. What is Vikram Sambat? The era beginning in the 58 BCE, BCE before Christ era. Before Christ era is traditionally associated with Gupta king, Chandragupta II, who had founded it as mark of victory over the Shak. Chandragupta Dvitiya defeated Shak dynasty and assumed the title of Vikramaditya. After defeating the Shak dynasty, Chandragupta II adopted the title of Vikramaditya. And he started the Vikram Sambat, which is the mark of our calendar, Hindu calendar, okay, Hindi calendar. Now we will read about genealogy. Look in the book. Most prashastis also mention the ancestors of the ruler. Most prashasti also mention the ancestor of the rulers. Means prashasti tells us about the ancestors of the rulers. Okay. This one mentioned Samudragupta's great grandfather, father and mother. His mother, Kumar Devi. Belonged to the Likshavya Gan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty. Yani Chandragupta established the Gupta's dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj. A title that Samudragupta also used, his great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharaja, but his grandfather and great grandfather only adopted the title of Maharaja, but the Chandragupta adopted the title of Maharaja Dhiraj, and Samudragupta was also. It seems as if the family gradually rose to importance, means the Gupta's dynasty gradually, yani slowly, rose to importance, yani he adopted an importance. Now,
समुद्रगुप्त इज ओके अडॉप्टेड दैट स्पेशल टाइटल्स वन वी हैव टू सी दैट सम रिनाउंड रूलर्स इन दिस टॉपिक वी सी दैट सम रिनाउंड रूलर्स अडॉप्टेड स्पेशल टाइटल सच एज अशोका अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पियदसी अशोका अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पियदसी हु वॉज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी ओके एंड द चंद्रगुप्त अडॉप्टेड चंद्रगुप्त मीन्स गुप्ता डायनेस्टी नॉट मौर्य डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज एंड हिज फादर ऑल्सो अडॉप्टेड दिस टाइटल एंड हिज सन समुद्रगुप्त अडॉप्टेड दिस टाइटल महाराजा धीराज समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शक्स अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल अबाउट सम ऑफ देम whom you will read in chapter first. He said, Samudragupta was also ancestor by his son, Chandragupta II, who adopted the title of Vikramaditya. After the decline of Shak dynasty, Gupta arose. His court was full of learned people, just as Patanjali, सुश्रुत चरक कालिदास अश्वघोष एंड एक्सेट्रा यानी ये कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जीनोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी समुद्रगुप्त भी एंसेस्ट हुआ कैसे उसके बाद उसका पुत्र आया चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वी नो अबाउट हिम हम उसके बारे में कैसे जानते हैं वी नो अबाउट हिम फ्राम इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस के द्वारा जानते हैं एंड क्वाइंस और क्वाइंस के द्वारा जानते हैं ही ओवर केम द लास्ट ऑफ द शक्स अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल जैसा लोग मानते हैं कि उसका जो दरबार था ठीक है किसका दरबार समुद्रगुप्त का वो कब आया था शक और शक डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद जब शक डायनेस्टी को का डिक्लाइन हो गया ठीक है तब वो आया था अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ यानी ऐसा माना जाता है हिज कोर्ट वाज उसका जो कोर्ट था दरबार था वो ज्ञानी लोगों से भरा हुआ था जिसके बारे में हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है जैसे कि आपके उसके दरबार में ये थे पतंजलि का जो संस्कृत का जो व्याकरण है सुश्रुत वैद्य चरक भी वैद्य थे कालिदास महाकवि कालिदास उनको महाकवि कहा जाता है अश्वघोष थे ये सारे लोग उसके दरबार में थे ठीक है अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित ओके व्हाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस We can find out about some kings from biographies. Harshvardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was one of such rulers. His court poet Banbhat wrote his biography, the Harshcharitra, in Sanskrit. This gives us genealogy of Harsh. And ends with his becoming king. Van Song, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsh Court and left a detailed account of what he saw. Now, we have to know about Harshvardhan with the help of his biography written by his court poet Banbhat, that is Harshcharit. About Gupta dynasty, we have to know about him
विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स बट इन द सब्जेक्ट ऑफ हर्षवर्धन देयर इज अ बुक नेम्ड हर्षचरित विच इज रिटन बाय बाणभट्ट. वेनसांग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन हिज कोर्ट. इन विच कोर्ट? हर्षवर्धनाज कोर्ट. He also left an account about him and his court. Okay. He said, while we can learn about the Gupta ruler, हम गुप्ता रूलर के बारे में कैसे जानते हैं? With the help of inscriptions and coins. उनके coins और inscription जो हमको archaeologists ने दिए हैं उनके द्वारा हम गुप्ताज के बारे में जानते हैं. लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं जिनके बारे में हम उनके बायोग्राफी पढ़ के जानते हैं, यानी हमको रिटन हिस्टोरियंस हमको रिटन अकाउंट उनके बारे में दिए हैं जिसको पढ़ के हम उनके बारे में जानते हैं. उनमें से एक राजा हर्षवर्धन है जिसने 1400 साल पहले राज्य किया था और वो बहुत ही रिनाउंड राजा था, यानी बहुत ही फेमस राजा था. और उसका जो कोर्ट पोएट उसके थे जिनका नाम बाणभट्ट था, उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी. उनकी एक बायोग्राफी उसने लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित, जो कि संस्कृत में लिखा गया है. दिस गिव्स अस जियोलॉजी ऑफ हर्ष. वो हम हर्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको देते हैं. और वो किताब एंड कहाँ पर होता है? जब हर्षवर्धन राजा बन जाता है. इसके अलावा वेनसांग अबाउट होम यू रेड. वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसने बहुत सारा अपना टाइम हर्षवर्धन के कोर्ट में व्यतीत किया था, उसने भी कुछ लिखित अकाउंट उसके बारे में छोड़े हैं. कुछ लिखित अकाउंट उसके हम पाते हैं जिसके तहत जिसके द्वारा हम हर्ष के कोर्ट के बारे में, यानी उसका दरबार कैसा था और हर्ष किस तरह का राजा था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये कहते हैं कि हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर. विद द हेल्प ऑफ बाणभट्टाज हर्षचरित वी नो दैट हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डैड. हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल. हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल. दीज बुक्स टेल्स अस अबाउट द जीनियोलॉजी ऑफ द हर्षवर्धन. हर्ष बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड हिज एल्डर ब्रदर. फ्रॉम थानेश्वर He spread his kingdom east, west and north, but not in south. ये कहते हैं कि हर्ष was not the eldest son of his father. हर्ष अपने पिता का बड़ा लड़का नहीं था, but became king of थानेश्वर. लेकिन वो थानेश्वर का राजा कब बना? After the death of his father and elder brother. अब उसका जब उसके जब पिता की मृत्यु हो गई और भाई की मृत्यु. मृत्यु कैसे हुई? मार दिया उसने उसको. उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा. हिज ब्रदर इन लॉ यानी जो उसका ब्रदर इन लॉ था. ब्रदर इन लॉ कौन? उसका साला भी हो सकता है. और हाँ, साला जो था वो कन्नौज का राजा था. ठीक है, तो उसने क्या किया? कन्नौज का राजा जो था, यानी जो उसका ब्रदर इन लॉ था, वो बंगाल के राजा के द्वारा मार दिया गया. यानी बंगाल के राजा ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसने कन्नौज के राजा को मार दिया. तब क्या हुआ? हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज. हर्ष ने कन्नौज के किंगडम को फिर वापस लिया. कैसे? एंड देन लेड एन आर्मी. क्या किया उसने कि एक कन्नौज पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि वहाँ का राजा मर गया, उसका ब्रदर निला था वो मारा गया. और उसके बाद वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करके और उसने फिर कहाँ पर आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण किया और उसको भी उसने अपने अधीन ले लिया. ठीक है, although he was successful in the east and conquered Magadh and probably Bengal also. ठीक है, he spread his kingdom towards the east and the east
एंड बंगाल एंड आल्सो इन नॉर्थ इंडिया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर. ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा, नर्मदा मीन्स साउथ इंडिया, नर्मदा, टू मार्च इन टू द डेक्कन, डेक्कन साउथ इंडिया, बट वॉज स्टॉप्ड बाई अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन सेकेंड. ही सेड फ्राम थानेसार ही स्प्रेड हिज किंगडम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ बट नॉट इन साउथ. वाई? इन साउथ इंडिया ही स्टॉप्ड बाई अ पावरफुल किंग पुलकेशिन सेकेंड हु बिलोंग टू द चालुक्य डायनेस्टी. यानी यद्यपि ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, वो ईस्ट में सक्सेसफुल था एंड कॉन्क्वर्ड मगध, मगध को उसने जीत लिया था, बिहार पूरा उसने जीत लिया था एंड प्रॉबेबली बंगाल, बंगाल को भी जीत लिया था, लेकिन वो और कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सका. ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा, उसने नर्मदा नदी को क्रॉस करना चाहा, जो कि आपका डक्कन प्लेट्यू है, साउथ इंडिया है, बट वॉज स्टॉप्ड, लेकिन उसको रोक दिया गया. कैसे? बाय अ रूलर, एक रूलर के द्वारा, एक राजा के द्वारा, बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था और उसका नाम क्या था? पुलकेशिन सेकेंड. ओके, नाउ वी विल एंड दिस पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.